हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आपके चैनल मैथ स्टडी 9897 में। आज मैं आपको संख्याओं के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन हम आज भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ना चाहेंगे, और जैसे विषम संख्याएं और सम संख्याएं। न संघर्ष न तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो दोस्तों, जैसे भाज्य संख्याएं, तो दोस्तों भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो संख्याएं एक से और स्वयं से और किसी अन्य संख्या से कट जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अन्य और किसी संख्या से कट जाए। समझ में आया दोस्तों? वह संख्या है जो एक से और स्वयं से और अन्य किसी संख्या से कट जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे चार हो गई, छह, आठ, नौ, दस, .. तो वह संख्या है जो एक से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से कट जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे चार, छह, आठ, नौ, दस, .. उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से कट जाएं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, .. तो दोस्तों वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से कट जाए, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह और सत्रह। तो दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता चला होगा। उसके बाद सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिनमें शेषफल जीरो बचता है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे दो, चार, छह, आठ, दस, बारह। उसके बाद विषम संख्याएं, वो होती हैं जो दो से विभाजित करने पर उनमें शेषफल बचता है। जैसे कि एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, .. उसके बाद दोस्तों पूर्ण संख्याएं, उन्हें कहते हैं जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक पाई जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, .. इन्फिनेटिव, अनंत तक। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक पाई जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, .. अनंत तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं
वह संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक पाई जाती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक पाई जाती हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक पाई जाती हैं, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक पाई जाती हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, डॉट 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 अनंत तक। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।